नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मल्हारगंज थाने की हवालात में कल सुबह एक बदमाश ने फांसी लगाकर जान देने की कोशिश की। गनीमत रहे कि संतरी ने उसे देख लिया, पुलिस कर्मियों की मदद से उसे बचाया और अस्पताल पहुंचाया। बाद में उसके खिलाफ आत्महत्या की कोशिश का प्रकरण दर्ज कर जेल भेजा गया है। मल्हारगंज थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर अमर सिंह भिलावर के अनुसार थाने के लॉकअप में फांसी लगाकर जान देने की कोशिश करने वाले बदमाश का नाम रवि पिता रंजीत पवार निवासी ग्राम सरवर जम्बूड़ी तहसील हाथोद हाल मुकाम जिनसीहाट मैदान है। रवि पर 151 की कार्रवाई की गई थी, उसका जेल वारंट बन गया था, इस वजह से रात को थाने में रखा गया था। कल तड़के उसने अपनी नाड़े से ही हवालात के आखिरी हिस्से में फांसी लगाकर जान देने की कोशिश की। ड्यूटी पर मौजूद संतरी ने उसे देखा तो तुरंत ही अन्य पुलिसकर्मियों की मदद से फंदे से उतारा और सीधे निजी अस्पताल इलाज के लिए लेकर गए। रवि की हालत खतरे से बाहर है। बाद में उसके खिलाफ थाना परिसर में खुदकुशी की कोशिश करने के मामले में प्रकरण दर्ज कर जेल भेजा गया है। इसमें जो आरोपी थे रवि पिता रंजीत पवार, जिनकी उम्र 25 वर्ष है, इनको एक मुकदमे के अंतर्गत इन पे कार्रवाई हुई थी। इन्होंने जो इनके ससुर हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा गंभीर मारपीट की थी, जिसमें मुकदमा भी कायम हुआ था। मुकदमा कायम होने के बाद जब इनका आपराधिक रिकॉर्ड चेक किया गया तो ये आदतन अपराधी मिले, जिसके बाद इनसे ऊपर धारा 151 की कार्रवाई की गई और इनका जेल वारंट बनाया गया। परंतु उस दिन कोरोना का टेस्ट ना हो जाने के कारण इनको जेल में भर्ती नहीं कराया जा सका, इसलिए जेल वारंट जब अगले दिन एग्जीक्यूट होना था तो एक दिन के लिए इनको पुलिस हिरासत में थाना मल्हारगंज में रखा गया था। उस दिन इन्होंने करीबन सुबह 5:30 बजे की बात है, जब इन्होंने जो ये अंडरवियर पहने थे और नाड़ा निकालने के बाद पार्शियल हैंगिंग की जो स्थिति होती है उसमें इन्होंने प्रयास किया खुद की आत्महत्या करने का। परंतु उसी समय तत्परता दिखाते हुए जो वहाँ पर मौजूद संतरी था और ड्यूटी ऑफिसर थे, उन्होंने तत्काल इस चीज़ को नोटिस किया। फटाफट जो उन्होंने जो फर्स्ट मेडिकल एड देना होता है वो प्रयास किया और तत्काल इसकी विधिवत एंट्री करके इसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया। हॉस्पिटल में प्राथमिक जांच के बाद डॉक्टर के द्वारा बताया गया कि कोई भी गंभीर वो नहीं है, परंतु इसके द्वारा आत्महत्या का प्रयास किया गया है, जिसके निशान भी उसके गले पे थे, इसलिए उसके बाद उसमें मुकदमा कायम किया गया है। वर्तमान में क्योंकि पहले से उसके विरुद्ध जेल वारंट बना हुआ था तो उसको तामील कराते हुए उसको अभी जेल निरोध किया गया है और जो ये प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है आत्महत्या करने के प्रयास करने का, इसमें अब इसकी फॉर्मल गिरफ्तारी कर इसको न्यायालय में पेश किया जाएगा। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।